हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एकेल्फिया इंडिका मेडिसिन के बारे में। एकेल्फिया इंडिका मेडिसिन जो है वो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में 5 मार्क्स में पूछते हैं। इसका मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो गाइडिंग सिम्टम है या फिर जिसके लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है एकेल्फिया, वो है हीमोप्टाइसिस। ठीक है, हीमोप्टाइसिस के लिए ये इनफेलिएबल मेडिसिन है। स्पेसिफिकली ट्यूबरक्यूलोसिस के अंदर अगर हीमोप्टाइसिस का केस देखने को मिले तो वहाँ पे भी ये बहुत अच्छा वर्क करती है। स्टार्ट करते हैं। एकेल्फिया इंडिका जो है इसका कॉमन नेम इंडियन एकेल्फिया है। प्रूवर डॉक्टर टोनर है। फैमिली यू4BAC फैमिली है। ठीक है, कौन सी फैमिली है? यू4BAC फैमिली है एकेल्फिया इंडिका की। इंट्रोडक्शन देखें तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है, इसके प्रूवर, इस मेडिसिन के प्रूवर को लेके बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज देखी गई हैं। तो वही चीज़ इंट्रोडक्शन में लिखा है, देर इज़ कॉन्ट्रोवर्सी अबाउट द फर्स्ट प्रूवर ऑफ दिस मेडिसिन। डॉक्टर NM चौधरी क्या कहते हैं कि इस मेडिसिन की प्रूविंग, एकेल्फिया इंडिका की प्रूविंग किसने की है? डॉक्टर PC माजूमदार ने। ठीक है, ये NM चौधरी ऐसा कहते हैं। डॉक्टर NM चौधरी सेज दैट दिस रेमेडी वॉज फर्स्ट प्रूव्ड बाई डॉक्टर PC माजूमदार ऑफ कैलकटा। वेयर एज डॉक्टर SC, जो डॉक्टर SC घोष हैं, उनने अपनी ड्रग्स ऑफ हिंदुस्तान में ऐसा बताया है कि इस मेडिसिन के मेन प्रूवर कौन है? डॉक्टर टोनर, डॉक्टर CF टोनर, जो कि एक फ्रेंच होम्योपैथ थे। ठीक है, तो डॉक्टर SC घोष ने ये बोला है कि CF टोनर ही इस मेडिसिन के प्रूवर हैं। ठीक है, इतना तो हमें पता चल गया, अभी 2 प्रूवर हमें पता चल गए। लास्ट में क्या लिखा है, डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार, ही हैज़ ऑल्सो कंडक्टेड द प्रूविंग ऑफ दिस मेडिसिन थ्रू हिज डिसाइपल, जो उनके डिसाइपल थे बाबू जय किशन घोसाल। ठीक है, तो महेंद्र लाल सरकार ने भी इस मेडिसिन की प्रूविंग की थी अपने डिसाइपल के ऊपर। तो 2-3 प्रूवर्स हैं इस मेडिसिन की प्रूविंग इस तरीके से हुई है। मेन चीज़ हमें क्या पता होना चाहिए एकेल्फिया इंडिका के बारे में, कि इट इज़ एन इनफेलिएबल रेमेडी फॉर हीमरेज। हीमरेज स्पेसिफिकली हीमोप्टाइसिस, हीमोप्टाइसिस के केसेस को ये मेडिसिन वंडरफुली क्योर करती है। ठीक है, पर्टिकुलर्स देखें जिसके लिए हमें एग्जाम में लिखना है, तो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में क्या, एकेल्फिया इंडिका इज एम्प्लॉयड इन द बिगनिंग ऑफ थीसिस। बिगनिंग ऑफ थीसिस मतलब स्टार्टिंग फेज ऑफ TB, ट्यूबरक्यूलोसिस। थीसिस को क्या बोलते हैं? ट्यूबरक्यूलोसिस, है ना। तो बिगनिंग ऑफ थीसिस में एकेल्फिया इंडिका जो है वो इंडिकेटेड है। ठीक है, एंड व्हेन इन द बिगनिंग ऑफ TB, व्हेन इट इज़ एसोसिएटेड विथ हार्ड ड्राई सीवियर कफ। कैसा कफ होगा? ड्राई कफ होगा, ड्राई सीवियर कफ होगा, विच इज़ फॉलोड बाई ब्लडी एक्सपेक्टोरेशन। तो कफ होगा और उस स्पूटम के अंदर ब्लड होगा, है ना। तो ब्लडी एक्सपेक्टोरेशन अगर देखने को मिले, सीवियर ड्राई कफ TB का पेशेंट, तो वैसे ही कंडीशन में हमें एकेल्फिया इंडिका देनी है। ठीक है, एक्सपेक्टोरेशन ऑफ, कैसा एक्सपेक्टोरेशन होगा? प्योर ब्राइट रेड कलर का, एकदम प्योर ब्राइट रेड कलर का एक्सपेक्टोरेशन देखने को मिलेगा मॉर्निंग में, और वही चीज़ जो है वो डार्क क्लॉटेड ब्लड देखने को मिलेगा हमें इवनिंग में। तो पेशेंट जो है वो आके हमें क्या बोलेगा कि उसको प्योर एकदम ब्राइट रेड कलर का एक्सपेक्टोरेशन देखने को मिल रहा है, उसके स्पूटम में खून ऐसा देखने को मिल रहा है, सुबह सुबह तो एकदम ब्राइट रेड और शाम होते होते, है ना, इवनिंग होते होते क्लॉटेड ब्लड देखने को मिल रहा है उसके स्पूटम में। ठीक है, डार्क क्लॉटेड ब्लड इन द इवनिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक गाइडिंग सिम्टम मिल गया हमें, ब्राइट रेड ब्लड कम्स इन मॉर्निंग एंड डार्क क्लॉटेड ब्लड इन इवनिंग। आगे क्या लिखा है, कफ मोस्ट वायलेंट एट नाइट। तो नाइट में तो एकदम ड्राई सीवियर कफ, ब्लडी कफ देखने को मिलेगा, मोस्ट वायलेंट एट नाइट। तो ऐसा पेशेंट जिसको रात में बहुत ज़्यादा खांसी हो ब्लडी एक्सपेक्टोरेशन के साथ, तो वहाँ पे हमें एकेल्फिया इंडिका के बारे में सोचना है। देयर इज डलनेस ऑफ चेस्ट ऑन परकशन। तो एज अ डॉक्टर जब हम एग्जामिन करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा? डलनेस ऑफ चेस्ट। जब हम परकशन करेंगे तो डलनेस ऑफ चेस्ट देखने को मिलेगा, एंड सीवियर पेन इन द चेस्ट विद प्रोग्रेसिव इमेसिएशन। तो अब ये तो TB के सिम्टम्स आ गए, प्रोग्रेसिव इमेसिएशन, नाइट स्वेट्स देखने को मिलेंगे और इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रोग्रेसिव इमेसिएशन, नाइट स्वेट एंड इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर, साथ में सीवियर पेन इन द चेस्ट, और कफ जो है वो वायलेंट कब हो रहा है? इन द नाइट। इट इज़ इंडिकेटेड इन इंसीपिएंट थीसिस विद हार्ड रैकिंग कफ, ब्लडी एक्सपेक्टोरेशन, आर्टीरियल हीमरेज, मतलब ब्राइट रेड कलर की ब्लीडिंग देखने को मिल रही है, बट नो फेब्राइल डिस्टर्बेंसेज, इतने फीवर वीवर नहीं आ रहे, तो भी हम इस मेडिसिन को देंगे, एकेल्फिया इंडिका जो है वो हम दे देंगे उस पेशेंट में। तो बहुत अच्छा
क्योर देखने को मिलेगा हमें। तो वापस से एक बार रेस्पिरेटरी सिम्टम्स देखते हैं। बहुत अच्छी मेडिसिन है इस चीज़ के लिए। कैल्फिया इंडिका इज एम्प्लॉयड इन द बिगनिंग ऑफ द थीसिस विच इज़ एसोसिएटेड विद हार्ड ड्राई सीवियर कफ फॉलोड बाई ब्लडी एक्सपेक्टोरेशन। एक्सपेक्टोरेशन जो है, अब उसका टाइप बता दो कि एक्सपेक्टोरेशन जो है वो प्योर ब्राइट रेड कलर का होता है इन द मॉर्निंग एंड डार्क क्लॉटेड ब्लड होता है इन द इवनिंग। उसके बाद इसका कफ बता रहे थे हम, तो ड्राई सीवियर कफ होता है, मोस्ट वायलेंट रात को हो जाता है नाइट में। और साथ में चेस्ट में क्या होगा जब खांसेगा इंसान, तो सीवियर पेन होगा चेस्ट में, डलनेस ऑफ द चेस्ट देखने को मिलेगा। अब उसके बाद फिर हम टीबी के सिम्टम्स बता देंगे, प्रोग्रेसिव इमेसिएशन, नाइट स्वेट्स देखने को मिल रहा है, इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर देखने को मिलता है। ओके, इट इज़ इंडिकेटेड इन थीसिस पेशेंट विथ हार्ड रैकिंग कफ, ब्लडी एक्सपेक्टोरेशन, आर्टीरियल हीमरेज बट नो फेब्राइल डिस्टर्बेंसेस। तो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हमें क्लियर हो गए एक एल्फिया इंडिका के। GIT पे भी इसका एक बहुत मार्क्ड सिम्टम है, तो क्या लिखा है यहाँ पे, दिस मेडिसिन ऑल्सो हैज़ अ मार्क्ड एक्शन ऑन द एलिमेंट्री कैनाल कैरेक्टराइज्ड बाय बर्निंग इन इंटेस्टाइन। ठीक है, कैसा फील होता है पेशेंट को, बर्निंग, जलन मचती है इंटेस्टाइन में, सेंसेशन ऑफ वेट इन द स्टमक, सेंसेशन ऑफ वेट इन स्टमक, फ्लैचुलेंस। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या लिखी है यहाँ पे, स्प्लटरिंग डायरिया होगा विथ फोर्सफुल एक्सपल्शन ऑफ नॉइजी फ्लैट्स। तो फ्लटरिंग टाइप ऑफ डायरिया होगा एंड बहुत फोर्सफुल एक्सप्लोजन ऑफ नॉइजी फ्लेटस। कैल्केरिया फॉस मेडिसिन भी है, रेक्टल हीमरेज के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है विच इज़ वर्स इन मॉर्निंग। तो रेक्टल हीमरेज, ठीक है, रेक्टल ब्लीडिंग अगर हो रही हो, सोचो रेक्टल ब्लीडिंग के लिए भी मेडिसिन है, रेक्टल ब्लीडिंग अगर हो रही हो, मॉर्निंग में कंप्लेंट्स बहुत बढ़ रही हो, तो एक एल्फिया इंडिका मेडिसिन देना है। तो ये हमारी मेडिसिन हो गई, सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें पता चल गए। नीचे क्या लिखा है, ऑथर हैज़ रिलीव्ड 100 and 100 ऑफ केसेस ऑफ हेमोप्टाइसिस व्हेन देर इज एक्टिव ब्राइट रेड कलर ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम दी रेस्पिरेटरी पैसेज। तो रेस्पिरेटरी पैसेज से अगर ब्राइट, मतलब रेस्पिरेटरी पैसेज मतलब क्या हो गया, हिमोप्टाइसिस, तो हिमोप्टाइसिस मतलब कफ, कफ करते टाइम अगर एक्सपेक्टोरेशन जो स्पूटम होता है उसमें अगर हमें ब्लड देखने को मिले, है ना, तो उस कंडीशन में हमें एक एल्फिया इंडिका मेडिसिन देनी है। अच्छा, अगर ब्लैडर से अगर ब्लीडिंग देखने को मिले, ब्लैडर से ब्लीडिंग हो, तो कौन सी मेडिसिन है, एरीगेरॉन मेडिसिन है। ठीक है, याद रखना, ब्लैडर से ब्लीडिंग हो तो एरीगेरॉन। हीमरेज फ्रॉम पाइल्स, अगर पाइल्स से ब्लीडिंग, पाइल्स से अगर ब्लीडिंग हो तो कौन सी मेडिसिन लिखी है यहाँ पे, मिलीफोलियम। ठीक, मिलीफोलियम लिखी है, याद रखना अब इस मेडिसिन को। एक एल्फिया इंडिका बहुत यूज़फुल मेडिसिन है, किस चीज़ के लिए, हिमोप्टाइसिस के लिए बहुत यूज़फुल मेडिसिन है। अप्रूवर कौन है, डॉक्टर टोनर, कॉमन नेम इंडियन एक एल्फिया है। जल्दी से मुझे फैमिली बता दो, U4BAC फैमिली है। ठीक है, पर्टिकुलर्स में क्या मेन चीज़, दो ही चीज़ याद रखनी है कैल्फिया इंडिका की, सिर्फ दो चीज़ याद रखनी है हमें, हिमोप्टाइसिस, ठीक है, ब्लडी एक्सपेक्टोरेशन देखने को मिलता है। कैसा कफ होगा, तो ड्राई सीवियर कफ होगा, ड्राई हार्ड सीवियर कफ होगा, कफ जो है वो मोस्ट वायलेंट एट नाइट। ठीक है, ब्राइट रेड होगा मॉर्निंग में और क्लॉटेड हो जाएगा, डार्क क्लॉटेड हो जाएगा इवनिंग में। उसके बाद टीबी के सिम्टम्स बता देना कि बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव इमेसिएशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, नाइट स्वेट्स देखने को मिलते हैं, इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर देखने को मिल रहा है। उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे, GIT में क्या अफेक्शन हैं इसके, तो बर्निंग इन इंटेस्टाइन, सेंसेशन ऑफ वेट इन स्टमक, फ्लैचुलेंस देखने को मिलता है पेशेंट में। साथ में यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, स्प्लटरिंग डायरिया। एक एल्फिया इंडिका में क्या लिख के आना है तुम लोगों को सबको, हमें भी, मतलब मुझे भी, स्प्लटरिंग डायरिया लिख के आना है, स्प्लटरिंग डायरिया विथ फोर्सफुल एक्सपल्शन ऑफ नॉइजी फ्लैटस। ठीक है, रेक्टल हीमरेज में भी ये मेडिसिन दी जाती है। तो ये हो गया हमारा एक एल्फिया इंडिका, ये 5 या 10 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, कुछ भरोसा नहीं है।